हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में मैं आरएस अग्रवाल की फेमस जो मैथ्स की बुक है अंकगणित, इसका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। शॉर्टकट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आरएस अग्रवाल की ये बुक है जिसका हम लोग जो चैप्टर लेने वाले हैं वो चैप्टर है लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक से। तो आइए चलते हैं सीधे उस क्वेश्चन पर और करते हैं उसे शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसमें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को क्वेश्चन जो जिसका नंबर है 57 क्वेश्चन नंबर। न्यू बुक है ये, न्यू वर्जन है। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताना है। जी हाँ, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक मेथड सीख लीजिए, चाहे ये सिर्फ नंबर चेंज होंगे। यहाँ 20 और 15 की बात कर रहा है, यहाँ 30 और 40 या इस तरह के कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो सिर्फ नंबर चेंज होगा, पैटर्न यही रहेगा कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें बताना होगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। जब ऐसा होगा तो आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, आइए सीधे आपको इसके सॉल्यूशन पर ले चलता हूँ। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या बोला है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 लिख लीजिए और क्रय मूल्य कह रहा है ना, तो क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो 20 क्रय मूल्य को लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कह रहा है तो विक्रय मूल्य को लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है। तो 20 और क्रय मूल्य को लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, और 15 और सेलिंग प्राइस को लिख लीजिए SP। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये हमने सिंबॉलिक रूप में लिख लिया है, CP और SP। अब क्या करना है आपको, कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, कॉमन नंबर मतलब एक उभयनिष्ठ ऐसी संख्या जिससे 15 में भी भाग चला जाए और 20 में भी भाग चला जाए। तो ऐसा संख्या हमको कौन सा दिखाई देता है, हमको 5 दिखाई देता है। मतलब हम लोग पाँच ऐसा नंबर है जिसको हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 × 15 और 5 × 20, तो आपका क्या रेशियो बन गया, 4:3 बन गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 4CP इज इक्वल टू 3SP। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको रेशियो में चेंज करेंगे। रेशियो में चेंज करने के लिए कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, मतलब हमने क्या किया, हिंदी में कहूँ तो पक्षांतर किया। तो रेशियो या फिर बटा, बात एक ही है, सेलिंग प्राइस को यहाँ से उठाया और इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो 4 जो है इधर से ट्रांसफ़र होकर 3 की तरफ जाएगा, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4 ये बन जाएगा रेशियो। ट्रांसफ़र कर दिया हमने, इसको रेशियो में चेंज कर दिया। याद रखिए, हमने सेलिंग प्राइस को उठाया इस तरफ ले आए, तो सेलिंग प्राइस इसके बटे में आ गया, तो हम उसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। और जो 4 है वो इस तरफ से इधर आ गया, तो 3:4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 3 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 4 है। तो कॉस्ट प्राइस 3, सेलिंग प्राइस 4। इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचोगे तो 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये प्रॉफिट है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे प्रतिशत में, तो 1 रुपये प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, और क्रय मूल्य को नीचे लिखा जाता है, ये आपको फॉर्मूला में पता होगा। तो क्रय मूल्य को नीचे लिख लीजिए, और ये देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि 100/3, मतलब कि जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3 ये आपका आने वाला है। तो 33 सही 1/3% यही आपका उत्तर होगा। अगर दशमलव में कहेगा तो दशमलव में 33.33 ये आपका उत्तर होगा परसेंटेज में। तो अगर आपको डेसिमल में कहे तो 33.33%, और अगर आपको रेशियो भिन्न के रूप में कहे, परिमेय संख्या के रूप में कहे, तो 33 सही 1/3 इसका उत्तर होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो फटाफट से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। बस बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो ये शॉर्टकट मेथड से आप इस पैटर्न के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर इसका सॉल्यूशन समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ी सी हेल्प करिए हमारी भी, ताकि हमारा फैमिली और बड़ा होता जाए, हम इस चैनल पर और भी ऐसे आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर या फिर नॉलेजेबल वीडियो लेकर।